हाय चिराग, कैसे हैं आप? हेलो हेलो एवरीवन, प्लीज एक बार मुझे मैसेज डाल दीजिए वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट। थैंक यू वेरी मच। हाय दीपांशु, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चिराग जी, धन्यवाद आपका। चलिए, आज की हमारी जो क्लास रहेगी, जो कल हमने क्लास छोड़ दी थी ड्यू टू ऑफ द रिटन प्रॉब्लम, ना विजिबिलिटी नहीं थी, तो मैं चाहूंगा कि मुझे एक बार ये भी बता दें, आप लोगों को विजिबल है क्या ये बोर्ड? आप लोगों को विजिबल है? थैंक यू वेरी मच। चलिए, अपनी क्लास को जो है ना कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और हमारी जो आज की क्लास रहेगी दैट इज रिलेटेड टू प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड हमारी क्लास रहेगी आज की। और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो ये सीखेंगे कि कैसे जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो उस कंडीशन में हम उनके किन किन अल्टरनेटिव्स का यूज करते हैं, और कैसे एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा उस कंडीशन के अंदर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट जो रहेगा दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? अगर मैं बात करूं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर हमने सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इशू किए, जितने शेयर हमने सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इशू किए, उनसे ज्यादा मात्रा में एप्लीकेशन का आ जाना, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। हम उसे क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले इसके लिए। सपोज देयर इज अ कंपनी वीएन लिमिटेड, एक कंपनी है वीवीएन लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया कि 10,000 शेयर्स जो है ऑफर्ड किए टू द जर्नल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इन्होंने कितने शेयर ऑफर किए? 10,000। एंड दिस कंपनी इज हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। इस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बहुत ही बढ़िया है मार्केट के अंदर, और ड्यू टू दैट रेपुटेशन द कंपनी हैज रिसीव्ड 25,000 एप्लीकेशंस। कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की? 25,000 एप्लीकेशन। इन द कंडीशन व्हेन वी विल से दैट द शेयर्स अप्लाइड बाय कंपनी, सॉरी, शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक आर ग्रेटर देन शेयर्स इशूड बाय कंपनी, शेयर्स इशूड और ऑफर्ड बाय कंपनी, इन दैट कंडीशन We will say that there is a topic of your over subscription. कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा उस कंडीशन में? ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक रहेगा, राइट? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता क्या है कि हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन क्रिएट होती है। तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन हम लोग रखते हैं, पहला अल्टरनेटिव आप इसे बोल सकते हैं, दैट इज फर्स्ट अल्टरनेटिव, कि आप यदि ओवर सब्सक्राइब आपके पास शेयर्स हो, आपने जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा मात्रा में एप्लीकेशन आप लोगों के पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो पहला अल्टरनेटिव होता है कि कंपनी जितने एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से, और जितने हमने शेयर्स ऑफर किए हैं उनमें से उतने को उतने दे दे जितने के लिए एप्लीकेशन आई है, एग्जैक्टली फुल अलॉटमेंट कर दे अलॉटमेंट,
कैटेगरी बनाते हुए कैटेगरी ए दैट इज 10,000 को 10,000 अलॉट कर दे और दूसरी कैटेगरी में जो बच गए 15,000 उनको एक रिग्रेट लेटर डाल दे दैट वी आर नॉट एबल टू मेक यू द वैल्यूएबल इन्वेस्टर और द शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी सो फॉर दैट वी विल रिग्रेट टू यू राइट. हम लोगों का जो है आप लोगों की प्रत्येक सांत्वना है कंसोल में लेटर हम लोग को सेंड कर देते हैं. ये फर्स्ट अल्टरनेटिव रहेगा हमारा इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन राइट. सेकंड नंबर जो सेकंड अल्टरनेटिव हम अगर देखें तो सेकंड अल्टरनेटिव क्या रहेगा हमारा दैट इज सेकंड अल्टरनेटिव इन द कंडीशन हम क्या करते हैं कि हमारी एक कैटेगरी होगी सीधी सीधी कि जितनी एप्लीकेशन आई उनको जितने शेयर हमने पब्लिक ऑफर किए प्रोपोर्शनेटली दे दें पार्शली अलॉटमेंट कर दें. कैसा अलॉटमेंट कर दें पार्शली अलॉटमेंट कर दें. पार्शली अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट राइट. प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के केस में जैसे कि मैं कहूं कि पार्टिकुलर रेशियो फिक्स हो जाता है जैसे कि इसका रेशियो हम कैलकुलेट करें तो 5, 5, 25 और 5, 2, 10 यानी जिन्होंने 5 शेयर मांगे उनको आपने 2 शेयर दे दिए दैट इज योर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट पार्शली अलॉटमेंट. उसे हम क्या कहेंगे पार्शली अलॉटमेंट के नाम से जानेंगे. एक बार मैं मैसेज देख लेता हूं आप लोगों के बीच बीच में रिप्लाई करता रहूंगा. हाँ यस ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड गिविंग मी सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स एंड इफ यू हैव नॉट राइट नाउ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो सो दैट आई कैन टेक मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस इन दिस वे. This is a type of dependency that ना कि मैंने एक प्रकार का जो है यहाँ आप कहेंगे कि भाई जुगाड़ किया किसी तरीके से कि मैं आपके सामने ऑनलाइन आ सकूं फेस टू फेस में क्लास आपके सामने ले सकूं तो फेस टू फेस क्लास लेने के लिए जो जुगाड़ है उसको मैं खत्म कर सकूं डायरेक्टली मैं मोबाइल से ऑनलाइन जा सकूं. इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा डायरेक्टली जो लाइव क्लास है आपकी वो मोबाइल के थ्रू आपके पास जो है डिलीवर कर सकूं. तो हमने दो अल्टरनेटिव देखे. पहला अल्टरनेटिव था हमारा जब हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया फुल को फुल और बाकी जो बचे उनको रिजेक्ट. और सेकंड अल्टरनेटिव हमने क्या देखा सेकंड अल्टरनेटिव हमने देखा कि हमने प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर दिया यानी जिन्होंने 5 शेयर मांगे उनको हमने 2 शेयर अलॉट कर दिए राइट. थर्ड अल्टरनेटिव जो है हमारा दैट इज थर्ड अल्टरनेटिव उस अल्टरनेटिव को अगर हम कहें यहाँ पर डिस्कस करें तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है हमारा और जो सेकंड अल्टरनेटिव है उन दोनों में से मिक्स करके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. मिक्स करके कैसे चलिए चेक करते हैं. पहला अल्टरनेटिव हमारा क्या रहेगा कि हम कैटेगरी बना लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी कि कुछ को तो फुल दे दें. सपोज 5,000 को हमने 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए. सेकंड कैटेगरी हमने ले लिया जो 10,000 शेयर होल्डर है उनको हमने प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर दिया उनको 5,000 दे दिया और जो रिमेनिंग 5,000 बच गए दैट इज 10,000 कितने बच गए 25 के 10 और 5 15 और 10 25 10,000 जो बच गए उनको हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया. तो इस तरीके से जो हम लोग पार्टिकुलरली क्या करेंगे 3 अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. और इस इन कंडीशंस में जब हम प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट करते हैं दैट इज टू बी नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट. उसे हम किस नाम से बुलाते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं दैट इज पार्शली अलॉटमेंट. क्या कहेंगे उसे हम पार्शली अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेटली अनुपात के आधार पर जितने जितने शेयर मांगे उतने ना देकर उनको एक रेशियो में हमने शेयर अलॉट कर दिए. और जनरली ऐसी कंडीशन में जो ज्यादा शेयर मांगने वाले व्यक्ति होते हैं ना उनको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं. जिन्होंने कम शेयर मांगे होते हैं उनकी प्रेफरेंस को थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि उनसे हमें लमसम पैसा एडवांस में मिलने की संभावना रहती है राइट. चलिए इसको जो है थोड़ा सा ठीक करते हुए चलते हैं इस पूरे टॉपिक में. अब जो मैंने कंपनी का नाम ले ही लिया है तो इस कंपनी के साथ में एक एग्जाम्पल को अटैच करते हुए आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस ओवर सब्सक्राइब्ड के केस में जो ओवर सब्सक्राइब अमाउंट हमारे पास आया है उसको एडजस्ट करते हैं. कई बार हमारे सामने समस्या आती है सर कि हम इस अमाउंट को एडजस्ट कैसे करें. आइए चेक करते हैं इस अमाउंट को हम एडजस्ट कैसे करते हैं.
हमारा एग्जांपल एज इट इज रहेगा, मैं इस एग्जांपल को एज इट इज रखने वाला हूं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेंसिल लेकर या रबर पेन पेंसिल जो भी पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं उसके अकॉर्डिंगली इस एग्जांपल को नोट डाउन करें। ये एक एग्जांपल आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपके क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। थैंक यू वेरी मच सागर चार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लर्न विद आरपीएन जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए हमारा जो एग्जांपल है वो सिंपल सा एग्जांपल रहेगा, मैं एग्जांपल को थोड़ा क्लियर करते हुए चलूंगा। मान लीजिए वीवीएम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने क्या किया था, 10,000 शेयर्स इशूड किए, राइट। आप इस एग्जांपल को समझिएगा, मैं कैसे इस एग्जांपल को लिख रहा हूं और कैसे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने यहां पढ़ा था कि जो शेयर्स अप्लाइड हुए, जो शेयर्स अप्लाइड हुए दैट इज 25,000 शेयर्स के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आई थी। और इसमें मैं जो कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूं दैट इज द थर्ड अल्टरनेटिव, बेसिकली फर्स्ट अल्टरनेटिव सेकंड अल्टरनेटिव दोनों को मिलाते हुए हम थर्ड अल्टरनेटिव पे चलते हैं। तो थर्ड अल्टरनेटिव के केस में मैं इसमें कंडीशन अप्लाई करूंगा, सपोज कि हमने थर्ड अल्टरनेटिव को ऑप्ट किया, 5000 को आपने 5000 शेयर्स अलॉट कर दिए, सेकंड कैटेगरी आपने मेंटेन की, 10,000 को 5000 शेयर्स आपने अलॉट किए, और थर्ड कैटेगरी में आपने रखा जो 10,000 शेयर्स बच गए, जो एप्लीकेशंस बच गई उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, हमने लिख लिया है कि जो फेस वैल्यू है शेयर की वो क्या है, दैट इज ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर है। और इस 100 रुपए के शेयर में अगर हम बात करें तो कंपनी ने पैसा कुछ इस तरीके से मंगवाया है, एप्लीकेशन पर पैसा मांगा, अलॉटमेंट पर पैसा मांगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम इकट्ठी कर देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा मांगा, पैसा कुछ इस तरीके से मांगा गया। देखिए 40 रुपए कंपनी ने मांगे एप्लीकेशन पर, 30 रुपए कंपनी ने मांगे अलॉटमेंट पर, और साथ ही साथ जो बैलेंस है वो हमने मांग लिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। 100 रुपीज का अगर शेयर है तो 40 प्लस 30 70, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 30 रुपीज। तो 30 रुपए कंपनी ने यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग लिए। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखूंगा और क्वेश्चन को इतना ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे फिर इसमें हम लाइनों को ऐड करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लाइन इसमें मैं ऐड करने वाला हूं, मैंने यहां लिख दिया ऑल द मनी हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिसीव्ड आल्सो, ऑल द मनी हैज बीन कॉल्ड अप बाय कंपनी एंड ड्यूली रिसीव। तो इस कंडीशन में देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि जो तीन हमने अल्टरनेटिव लिए यहां पर, कि हमने 5,000 को 5,000 दे दिया, 10,000 को 5,000 दे दिए, 10,000 को बिल कर दिया, तो इन तीनों कंडीशन में मैं आपको सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि एक टेबल मैं आपको सिखा रहा हूं, उस टेबल को आप अच्छे से सीखें। अगर वो टेबल आपको बनाने में थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि सर हमारा समय खराब होगा तो प्लीज माइंड से उस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ सीधी सी एक बात मैं कहूंगा कि जो भी चीज आसान होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है, ध्यान रखिएगा। पर ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं कहूंगा आज अगर आप इस क्लास को अच्छे से पूरा देख पाए तो 101% मैं गारंटी देता हूँ इसका क्वेश्चन आप गलत नहीं करूंगा। देखिए यहाँ टेबल, हम जिस टेबल को बोलते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेशन टेबल, राइट, कैलकुलेशन टेबल। ये टेबल आपके लिए 2-in-1 का काम करेगी, ये टेबल आपके लिए 2-in-1 का काम करेगी। 2-in-1 का क्या काम करेगी,
एक तो आपके लिए वर्किंग नोट का काम करेगी, दूसरा आपकी जर्नल एंट्रीज को बहुत आसान कर देगी, बहुत 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 आसान। इस टेबल के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि ऑल द मनी हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिसीव्ड, तो उस केस में केवल आपको इसको बड़ा सिंपल वे में इस टेबल को जो है बना लेना है, सिंपल वे में टेबल को जो है ड्रा कर लेना है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कॉलम्स बना लेने हैं इस टेबल के अंदर। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल जो है मैं ड्रा कर रहा हूँ एक प्रकार से। आपको रेक्टेंगल ड्रा करनी आती है दोस्तों, देयर इज नो हार्म कि आप रेक्टेंगल आसानी से बना पाएंगे, रेक्टेंगल ड्रा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैंने यहाँ नीचे लाइन लगा दी है, ये मैं टोटल का कॉलम रहने वाला है, मैं यहाँ टोटल करूंगा, जो भी करना चाहता हूँ टोटल करूंगा। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने लाइन लगा दी है, दैट इज योर कैटेगरी नंबर, कैटेगरी नंबर यहाँ पर आप कैटेगरी नंबर लगाएंगे, और यहाँ पर एक लाइन और लगा देंगे, ठीक है। ये लाइन हमने एक और यहाँ लगा दी। अब इस लाइन के दौरान हमें जो काम करना है वो यहाँ डिस्प्ले करना है, कैसे करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे बड़े बड़े से, ये मैंने एक कॉलम मेंटेन कर लिया और ये मैंने दूसरा कॉलम मेंटेन कर लिया। इन दोनों कॉलम को हम दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे शेयर्स और एक हल्की सी लाइन लगा देंगे, और बीच में इसको दो पार्ट में बांटते हुए यहां लिख देंगे अप्लाइड और यहां लिख देंगे अलॉटेड, यहां लिख देंगे अप्लाइड, यहां लिख देंगे अलॉटेड। दूसरी तरफ आइए, यहां पर भी एक सिंपल सी लाइन बीच में लगा दी थी और लिख दीजिएगा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 40 ईच। हम ये पैसा मांग रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं अप्लाइड शेयर्स पर और अलोटेड शेयर्स पर, अप्लाइड शेयर्स पर और अलोटेड शेयर्स पर। हमने इनको नाम दे दिया, ये मेरा कॉलम वन और ये मेरा कॉलम नंबर टू, ये कॉलम नंबर थ्री, ये कॉलम नंबर फोर, ठीक है। इनके आधार पर मैं एक कॉलम और मेंटेन करने वाला हूं यहां पर, ये मेरा एक कॉलम बन जाएगा कॉलम नंबर फिफ्थ, जिसकी कैलकुलेशन रहेगी थर्ड कॉलम माइनस में फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम माइनस में फोर्थ कॉलम। यहां पर थर्ड माइनस फोर्थ करते हुए यहां लिख देंगे आप लोग एक्सेस मनी रिसीव, एक्सेस मनी रिसीव, जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया उसको आप यहां पर लिखने वाले, राइट। अब यहां पर बात करेंगे कैटेगरी नंबर वन, जिसमें हमने 5000 को 5000 शेयर क्या कर रखे हैं, अलॉट कर रखे हैं, 5000 को 5000 शेयर क्या कर रखे हैं, अलॉट कर रखे हैं। ये कैटेगरी नंबर टू, 10000 को 5000 शेयर अलॉट कर रखे हैं, 10000 को 5000 शेयर अलॉट कर रखे हैं। कैटेगरी नंबर थर्ड, बाकी जो रिमेनिंग 10000 बचे उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, उनको हमने क्या नहीं दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। आइए यहां पर देखिए, ₹40 हमने किस पर मांगे हैं, एप्लीकेशन पर मांगे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इससे पहले के जो बेसिक टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंपनी जब शेयर एप्लीकेशन रिसीव करती है, जितनी भी शेयर एप्लीकेशन रिसीव होती है उन पर सबसे पहले पैसा मिलता है। इट इज जस्ट लाइक टेकिंग एडमिशन इन ए स्कूल और ए कॉलेज और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसका पैसा आप एडवांस में देते हैं, 400, 500, 700 जैसा भी है। उसके बाद आप एक टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपने दे दिया कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी किसको शेयर देने किसको शेयर नहीं देने, किसको एडमिशन मिलेगा किसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा ही स्कूल के अंदर उस टेस्ट के बेस पर होता है। जब आपको ये हो जाता है कि भाई आपका पैसा अच्छा गया, आपका एडमिशन होगा, तो उस कंडीशन में स्कूल क्या कहता है आपको कि अपनी फीस जमा करा दीजिए, यानी नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी हमारी यहाँ कंपनी में वो फीस मांगी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे पैसा गैप पर मंगवाते हैं, एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का गैप हो सकता है, मैक्सिमम विद इन अ ईयर हम सारा पैसा मंगवा लेते हैं। अगर सारा पैसा कंपनी नहीं मंगवा पाई, सपोज करें विद इन अ ईयर का मतलब विद इन 12 मंथ्स, अगर कंपनी 30th मार्च को शेयर इशू कर रही है, 30th मार्च को शेयर इशू कर रही है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन का पैसा तो आ जाएगा कंपनी के पास, जो पैसा बचेगा दैट विल बी
placed in the second major heading that is not in the syllabus as in the balance sheet chapter 1 financial statement analysis part b usme hamare paas second major heading kaun si hoti hai share application money pending allotment that is share application money pending allotment yadi ye paisa issued 20 march se 31 march ko humne issue kiye ho aur application ka paisa receive kar le lekin shares allotment तो उसका हेडिंग में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यहां पर तो अरे सारी कंडीशंस नॉर्मल है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब 40 रुपए के हिसाब से 5000 शेयर पर कंपनी को 5/20 2 लाख रुपीस कितने लाख रुपए 2 लाख रुपए जो है मिले और कंपनी मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही इनसे ले सकती है। 2 लाख कंपनी को मिले हैं इनसे और 2 लाख की कंपनी इनसे ले सकती है। 10,000 पर कंपनी को मिले हैं 4 लाख रुपए और कंपनी मैक्सिमम ले सकती है इनसे 2 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो डिफरेंस है ना दैट इज योर एक्सेस मनी, दैट इज योर एक्सेस मनी। 10,000 पर मिल कंपनी को मिले तो यहाँ 4 लाख रुपए हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया तो इस पैसे को वो यूटिलाइज नहीं कर सकती और यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर किसी का पैसा आपने एडवांस में ले लिया है तो मेक इट डिफरेंट, उसको वापिस कर दीजिए। Otherwise, you have to be pay a heavy interest, and the interest on calls in advance basically हमें कहते हैं, the interest on calls in advance जो rate है, that is 12% per annum at the most as per table F. Table F के according मुझे इसके ऊपर ब्याज देना पड़ सकता है यदि मैं within a stipulated time period अगर ये पैसा वापस नहीं करता हूँ तो, ध्यान रखिएगा। तो उस condition में यहाँ पर देखिए excess money कुछ आया क्या? Third minus में four, excess money कुछ आया क्या? कुछ भी नहीं आया। हम 10 लगा देते हैं लोन, जब 4 लाख रुपए हमने रिसीव किए 2 लाख रुपए मैक्सिमम एप्लीकेशन पर मैं यूज कर सकता हूं, मैक्सिमम एप्लीकेशन पर मैं यूज कर सकता हूं, तो सीधी सी बात है 2 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा में पैसा आया हुआ है, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा में मेरे पास पैसा आया हुआ है। और यहां पर 4 लाख रुपए मेरे पास आए हैं लेकिन मैं यूज कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एक्स्ट्रा तो आए हैं 4 लाख रुपए लेकिन इनको मैं अपने पास नहीं रख, ठीक है, नहीं रख सकता तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनके लिए एक रिफंड का कॉलम बना देना चाहिए। प्योरली ये पैसा मेरा वापस होने वाला है, 4 लाख रुपए को मैं यार रिफंड करूंगा ही करूंगा। रिफंड जनरली टू बैंक करके हम लोग करते हैं, रिफंड कैसे करते हैं, टू बैंक लिखकर हम पैसे को क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, राइट। 4 लाख 4 लाख इस तरीके। अब यहाँ टोटल कर लेते हैं, टोटल शेयर कितने आए थे आपके पास, 25,000। हमने कितने इशू किए, 10,000। 25,000 पर 40 के हिसाब से 10 लाख रुपए मेरे पास आए, इनका जोड़ करके देखिए 10 लाख बनेगा। एक 10,000 शेयर पर 40 के हिसाब से 4 लाख रुपए मैक्सिमम आने चाहिए एप्लीकेशन पर, जोड़ करिए एप्लीकेशन पर 4 लाख बनते हैं, तो 10 लाख माइनस में 4 लाख यानी 6 लाख इन एक्सेस ज्यादा है ही मेरे पास, जोड़ करके देखिए चला जाता है, लेकिन इनमें से 4 लाख को तो मैंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब जो मेरे पास अमाउंट बची ₹2 लाख उसका मैं क्या करूं, देखिए ये तो भाई मैं कहूंगा कि कंपनी अगर मान लो बनिए भी है या दुकान बनिए भी, आप सामान लेने जाते हैं तो अकाउंट ले जाए मॉर्निंग में सुबह सुबह कि मुझे सामान दे दीजिए 50 रुपए का, तो 50 रुपए खुले नहीं मिलने वाले हैं दुकानदार के पास, उसके मन में हालांकि होते हुए भी वो 50 रुपए आपको वापस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इट मीन्स वो जानता है कि आप दोबारा सामान उससे परचेज कर रहे हैं, दोबारा सामान उससे लेंगे। अब दोबारा सामान अगर उससे लेंगे तो 2 लाख रुपए कंपनी के पास ऑप्शन है, क्या तो वापिस कर दे या फिर आप लोगों से कंपनी ने 30 रुपए की एक अलॉटमेंट की कॉल भी तो मांगी है, इसके बाद अलॉटमेंट की कॉल भी तो मांगी है। अब अलॉटमेंट की 30 रुपए की कॉल मांगी है, 10,000 शेयर पर अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए की बनती है, 3 लाख रुपए की। Now, suppose करिए कि 3 लाख रुपए कंपनी को आपसे अगली कॉल पर लेने हैं और 2 लाख रुपए आपने एडवांस में दे रखी है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी का सीधा सा हिसाब रहेगा, कंपनी आपको बड़े प्यार से समझाएगी कि आपसे 3 लाख रुपए नए अलॉटमेंट पर लेने हैं, 2 लाख आपने दे रखा है, 1 लाख रुपए और दे दीजिएगा, आपका हिसाब बराबर हो जाएगा और उस कंडीशन में आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो तो शेयर होल्डर जो है उस कंडीशन में क्या कर लेगा, एग्री कर लेता है और 2 लाख रुपए उसके पास पहली चीज छोड़ देता है और इस 2 लाख का कंपनी को कोई ब्याज नहीं देना होगा, राइट, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा दिया है कब, अलॉटमेंट पर। चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं जनरलाइज कैसे करेंगे, जनरल एंट्री करके देखते हैं इसकी कैसे करेंगे, ये टेबल कैसे हेल्प करेगी आपकी जनरल एंट्री करने में। देखिए सबसे पहली मैं बात करता हूँ जनरल एंट्री की आपके सामने,
तो मुझे यहां देखना है, यहां एप्लीकेशन मनी पर 10 लाख रुपए टोटल मुझे मिले हैं। कितने मिले हैं? 10 लाख रुपए मिले हैं। और जब एप्लीकेशन का पैसा मुझे रिसीव होता है तो मैं सिंपल एंट्री क्या लिखता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा कि अगर शेयर के बारे में कोई चीज क्लासिफाइड नहीं है कि वो प्रेफरेंस है या इक्विटी शेयर है, तो यूज इक्विटी शेयर हो। क्या यूज करेंगे आप लोग? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के नाम से आप उसको यूज करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और एक प्रॉपर फॉर्मेट अगर बात करें तो जनरल का फॉर्मेट उसको सभी को बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं एक दो एंट्री जो है फॉर्मेट में करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप बोर्ड गलतियों को ना करें। यहाँ आपका पार्टिकुलर्स रहेगा, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 10 लाख रुपीज आपको यहाँ पर मिले हैं, 10 लाख रुपीज आपको यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पूरा लिखना है आप लोगों ने, ध्यान रखिएगा। नरेशन लिख देंगे, ऑप्शन नरेशन आप लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसकी सेकंड एंट्री जब हम करेंगे तो क्वेश्चन तो यही था ना हमारा, टीचर प्रोडक्ट अलॉटमेंट पर जो इस तरीके की कंडीशन बनती है तो पैसा का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। दिस टेबल शोस टू यू हाउ वी विल यूटिलाइज द मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स लाइक ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल एटसेट्रा। तो यहाँ पर मेरे पास 10 लाख रुपए आए हैं, तो इसका हम बंटवारा करना चाहते हैं, इसका एप्रोप्रिएशन करना चाहते हैं, कैसे कैसे इसको बांटेंगे देखिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले लिख लीजिए 10 लाख रुपए आपके पास आए हैं, 10 लाख रुपए। तो उसमें से सबसे पहले देखिएगा कि शेयर कैपिटल का पैसा कितना है आपके पास। शेयर कैपिटल, हियर शेयर कैपिटल स्टैंडिंग फॉर कि मैक्सिमम में एप्लीकेशन पर कितना पैसा यूज कर सकता था, मैक्सिमम एप्लीकेशन पर कितना पैसा यूज कर सकता था अलोकेटेड स्टेज के ऊपर। मैं यूज कर सकता था 4 लाख। कितने यूज कर सकता था मैं? 4 लाख। तो 4 लाख रुपए तो मैं यहाँ यूज कर लूंगा, ये लीजिए 4 लाख रुपए मैंने यहाँ यूज कर लिए। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब इनमें से कुछ पैसा मैंने रिफंड भी किया, ये एक्स्ट्रा पैसा जो आया मेरे पास 4 लाख यूज करने के बाद, एक्स्ट्रा पैसा बचा 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख में 4 लाख रुपए मैंने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। 4 लाख जी मैंने रिफंड कर दिए, तो उसके लिए सिंपल सा मैं वर्ड यूज कर लूंगा टू बैंक, क्योंकि पैसा जब मैंने रिसीव किया तो बैंक डेबिट हुआ था। अब मैं पैसा वापस करूंगा तो सीधी बात है बैंक से पैसा जाएगा, तो टू बैंक लिख दूंगा और यहाँ अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। अब बात रह गई सर 10 लाख के 4 हमने कैपिटल में डाल दिए, 4 हमने रिफंड कर दिए, ये जो 2 लाख बचे इसका क्या? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलॉटमेंट पर आपके पास 30 रुपए की कॉल है, 30 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट आप अलॉटमेंट के मांग सकते हो 10,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मांग सकते हो, राइट? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए जो आप मांग सकते हो ना, तो 3 लाख में आप लोग देखें कि आपके पास एडवांस कितना, एक्स्ट्रा कितना है, 2 लाख है केवल। तो इसका मतलब कि 2 के 2 लाख अलॉटमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं, हाँ जी किए जा सकते हैं, लोग भाई यूज कर लेते हैं। 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पर यूज कर लिए। तो दिस इज टू बेसिक एंट्रीज जनरली वी फेल्स टू पास व्हेन एवर देयर इज प्रोडक्ट अलॉटमेंट। प्रोडक्ट केस, प्रोडक्ट अलॉटमेंट केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश की कि इस तरह को कैसे यूटिलाइज करेंगे। और मैंने यहाँ एग्जांपल में सिंपल लिखा था कि सारा पैसा मुझे मिल गया, तो सारा पैसा मिल गया। तो इसके बाद अगर हम बात करें एंट्री नंबर थर्ड की, तो एंट्री नंबर थर्ड आपकी क्या बनेगी, एंट्री नंबर थर्ड क्या बनेगी, देखिए एंट्री नंबर थर्ड बनेगी आपकी, जो ये अलॉटमेंट का पैसा है इसको ड्यू करिए और रिसीव करिए। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री लिख देंगे, अब की बार पैसा पहले मांगा जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने रुपए के साथ? 3 लाख, 10,000 पर 30। सर अब की बार आपने 10,000 को क्यों मल्टीप्लाई किया? देखिए बेटा मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन का पैसा आता है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड, ये हमने पहले से यहाँ एडजस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया है टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से मैंने यूज कर लिया, और ये मैंने पैसा इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। अब एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास उनका जो पैसा एक्स्ट्रा बचा था वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अलॉटमेंट पर, तो मैक्सिमम मैं उनसे कितना मांग सकता हूँ? मैं तो केवल उनसे उन्हीं शेयर्स पर मांग सकता हूँ ना,
जो शेयर हमने ला कर रखे हैं इश्यू कर रखे हैं। अप्लाइड का तो केस यहाँ खत्म हो चुका, पैसा जिन्होंने जिनको एक विषय निधि का पैसा वापस कर दिया, जिनका एक्स्ट्रा आया उन्होंने वो यूटिलाइज कर लिया। अब यूटिलाइज करूंगा तो इस पैसे को जब मैं अलॉटमेंट में मांगूंगा तो पूरा ही, लेकिन रिसीव करते वक्त इस पैसे को क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 3 लाख रुपए के साथ मेरी एंट्री हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट। अब मैं इस पैसे को जब मैं रिसीव कर रहा हूँ तो रिसीव के केस में क्या होने वाला है, रिसीव के केस में होने वाला है मुझे मिलने 3 लाख रुपए, 2 लाख मुझे पहले ही मिल चुके हैं, अब मुझे केवल 1 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी समझ लिखा है कि किसी व्यक्ति ने देने से मना नहीं किया, पैसा सबने सारा पैसा दे दिया जिनसे जितना पैसा मैंने मांगा था। फिर हम सिंपल सी एंट्री हम कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपए में यहाँ रिसीव कर लूंगा। और सेम एंट्री विल बी पास फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वो क्या होने वाली है, दैट विल बी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हमारी एंट्री होगी कुछ इस तरीके से, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होप्सो कि आप लोग जो है जुड़े हुए हैं मेरे से और मेरा जो है पिक्चर क्लियर आ रहा है आप लोगों को, मैं अपने मोबाइल में भी देख पा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अमाउंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट है वो सिंपली हम क्या कर देंगे, हम उसको मांग लेंगे, पहले मांगिएगा, कैसे मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या शेयर अलॉटमेंट की जगह आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अमाउंट है कितने रुपए की, 30 रुपए की ही, तो अमाउंट यहाँ आ जाएगी 3 लाख, 3 लाख एक्स्ट्रा कोई अडवांस एडजस्ट किया नहीं था, तो रिसीविंग हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपए और 3 लाख। होप्सो कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और उसमें प्रोराटा का केस और जब सारा पैसा मांग लिया जाए कंपनी के द्वारा और सारा पैसा एडजस्ट भी हो गया और उसको एज इट इज रिसीव भी कर लिया विदाउट एनी हार्म, किसी ने देने से पैसा मना नहीं किया है और सबने सारा पैसा दे दिया है, तो होप्सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा और आपको सेकंड केस पर ले चलता हूं क्वेश्चन को। सेकंड फेज क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन का सारा का सारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया, सभी लोगों ने सारा पैसा दे भी दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देखिए मैं इसमें ऐड कर देता हूं एक्सेप्ट, मैं इस लाइन को जो है यहां लिख देता हूं, तो आपको क्लियर होगी एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर, ए शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे और जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से ले लिया मैंने, कैटेगरी ए से ले लिया मैंने, कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला, क्वेश्चन में मैंने बड़ा सिंपल सा रखा है, क्वेश्चन वही एज इट इज, वीवीएल लिमिटेड कंपनी अप्लाइड से 25,000 इशू 10,000, 5 को 5, 10 को 5, 10 को 0, वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपए की, एप्लीकेशन 40 रुपए की, अलॉटमेंट 30 रुपए की, फर्स्ट वाले को 30 रुपए की, और सारा पैसा कंपनी ने मांग लिया, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ए एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, कैटेगरी ए से बिलोंग करता हैज नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स, हैज नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स। देखिए अगर ये अलॉटमेंट और कॉल्स में नहीं रहता, कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, तो हमारी एंट्रीज में क्या चेंज आएगा, उस एंट्रीज के चेंज को देखना है, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट का, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट का कि ए जो शेयर होल्डर है वो पैसे नहीं देता अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के, तो वो फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर बात जाएगी, अभी तो ऑब्लिगेशन की एंट्री एंट्रीज हम लोग पास करेंगे और इन एंट्रीज में कोई चेंज आप नहीं करना। अब आइए बात करते हैं अलॉटमेंट पर, देखिए अलॉटमेंट पर आएंगे तो एंट्री तो वही 3 लाख रुपए से आप ड्यू करने वाले हैं, ये लीजिए अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दी 3 लाख रुपए के साथ, नो डाउट, लेकिन रिसीविंग के वक्त क्या हुआ, रिसीविंग के थोड़ा सिंपल सा केस आया कि मैंने 3 लाख रुपए मांगे, 2 लाख मेरे पास एडवांस आए हुए थे, मैंने माइनस किए, बच गए 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख में भी क्या हो गया कि एक शेयर होल्डर जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता था, ये कैटेगरी ए है,
इसमें 5,000 शेयर होल्डर को 5,000 शेयर हमने अलॉट कर रखे हैं, इसका मतलब इनका कोई एक्स्ट्रा एडवांस नहीं है, सीधे सीधे 1,000 शेयर पर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए की? 30 रुपए की। 1,000 पर नहीं देगा तो 30,000 नहीं देगा तो 1,200,000 थे, अब वो मुझे कितने मिल जाएंगे? अब वो मुझे मिल जाएंगे केवल और केवल 70,000 रुपीज। 30,000 हम और माइनस करेंगे तो 70,000 केवल अलॉटमेंट पर मिलने वाला है। इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसके हिसाब से हम लोग रिव्यू करेंगे, कितने रुपए? 3,00,000 रुपए। 3,00,000 रुपए एंट्री रहेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक 3,00,000 रुपए 3,00,000 रुपए हमने ड्यू कर दी, और ड्यू करने के बाद हुआ क्या कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो यहां पर 3,00,000 मिलने थे, एडवांस कोई कैटेगरी में है नहीं, तो इसका मतलब 1,000 शेयर पर 30,000 फिर से नहीं मिलेंगे, और जो अब की बार रिसीविंग होगी तो मुझे यहाँ पर रिसीव क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,00,000 माइनस में 30,000, ये अमाउंट हो जाएगी 2,70,000। 2,70,000 की आपको ये एक छोटा सा चेंज क्वेश्चन में जो किया उसकी एंट्रीज आपको समझ में आई, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अब मैं दोबारा से चेंज करूंगा, थोड़ा सा छोटा सा चेंज करूंगा, आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा समझते जाइएगा। सेम क्वेश्चन एज इट इज रखेंगे, लेकिन चेंज क्या करने वाले हैं? चेंज मैं ये कर रहा हूं, ये जो कैटेगरी ए लिखा हुआ ना मैंने, इस कैटेगरी ए को काट कर मैंने लिख दिया इट ही बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, ही बिलोंग्स टू कैटेगरी बी। इस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से वो क्या करता है? बिलोंग करता है, और ये कैटेगरी हमने यहां से हटाना है, राइट। अब वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब देखें जरा क्वेश्चन में क्या चेंज आया। अब क्वेश्चन में चेंज करने के लिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जब वो ये कहते कैटेगरी बी से बिलोंग करता है और अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो हमारी इन अमाउंट में क्या परिवर्तन आने वाला है, वो परिवर्तन देखना चाहेंगे। मैं आपको सिंपल एक बात कह दूं, ये दो एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, और विद योर परमिशन मैं दो एंट्री फिलहाल यहां से एक बार हटा देता हूं ताकि मैं आपको ट्रीटमेंट करके बता सकूं जो ट्रीटमेंट मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं। लीजिए, ये दो एंट्री पर कोई चेंज नहीं आएगा, दिस विल बी रिमेंस एज इट इज, और मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं इस कंडीशन में कि पूरा क्वेश्चन एज इट इज, कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया, 1,000 का एक शेयर होल्डर, 1,000 का एक शेयर होल्डर कैटेगरी ए की बजाय कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। अब क्या चेंज आएगा? तो मैं सिंपल छोटे छोटे से वर्डों में लिखा दूं, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री हमारी एज इट इज रहेगी, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि पैसा किसका नहीं दे रहा? अलॉटमेंट का, फाइनल कॉल का तो एप्लीकेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री हम क्या लिखने वाले हैं? पहले तो मांगिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से मांग लेंगे आप ये अमाउंट? 3,00,000 रुपए, राइट। आप इसी एंट्री को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 3,00,000 रुपए से हमने मांग लिया। अब यहाँ 3,00,000 पर जब मैं इसको रिसीव करने गया तो रिसीविंग में मेरे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ, अगर कोई कंडीशन कुछ नहीं होती, कोई होल्डर ऐसा नहीं होता जो पैसे देने से मना कर रहा, सिंपल क्वेश्चन होता तो क्या लिखता? 3,00,000 में से 2,00,000 एडजस्ट कर देता तो 1,00,000 रुपए में यहाँ लिखता कि मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे, मैं ये लिखता कि मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि 1,000 का शेयर होल्डर जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता वो भी पैसे नहीं दे रहा। अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो ये एक वर्किंग नोट हम जरूर बनाएंगे, एक वर्किंग नोट बनेगा जो कि हमें मेंटेन करना है इस क्वेश्चन के लिए, जब भी केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या थोड़ा अलॉटमेंट का होगा तो ये वर्किंग नोट जरूर बनेगा। यदि वो व्यक्ति जो पैसे नहीं दे रहा वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां पर हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया हुआ है, जहां पर हमने क्या किया हुआ है? प्रोराटा अलॉटमेंट किया हुआ है, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करता तो डेफिनेटली ये वर्किंग नोट आपका बनने वाला है। ये वर्किंग नोट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखते हैं इसके बारे में। यहां पर आप लिखेंगे सिंपली कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ
अलॉटमेंट मनी राइट, अलॉटमेंट मनी की आपकी कैलकुलेशन है कि कितना पैसा आपको मिलेगा। तो इस वर्किंग नोट में आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने रुपए ड्यू हुए आपके अलॉटमेंट पर, 3,00,000 रुपए ड्यू हुए राइट, 3,00,000 रुपए ड्यू हुए। आई होप आपको क्लियर हो गए 3,00,000 रुपए यहाँ पर। इसमें से आप क्या करने वाले हैं, एक मिनट रुकिएगा, माइनस करेंगे एडवांस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, फॉर अलॉटमेंट। देखिए ये जो मुझे 2,00,000 रुपए यहां एक्स्ट्रा मिले थे ये मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए थे, तो ये एक्स्ट्रा पैसा मैं यहां माइनस कर दूंगा 2,00,000 रुपए, और मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी ₹1,00,000, और यही मैंने यहां पर लिखा है। लेकिन इसमें भी कुछ अमाउंट में माइनस करने वाला हूं, क्या अमाउंट में माइनस करने वाला हूं, जो ये 1,000 कैटेगरी बी से जो बिलोंग करता है शेयर होल्डर मिस्टर ए, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और सीधी सीधी सी बात अगर मैं आपसे करूं तो आपके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए या मेरे अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था कि अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, मनी नॉट रिसीव From A on 1,000 shares at the rate of ₹30 each, that is 30,000 रुपए ये मुझे नहीं मिलने चाहिए, और मैं इसको मैं माइनस भी कर देता। लेकिन लेकिन हुआ क्या कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ का एडवांस दिया होगा हमें। अगर हम एडिटीज इसको माइनस कर देंगे, 30 के 30 को माइनस कर देंगे, तो उसका एडवांस 2 बार माइनस हो जाएगा। एक बार तो हमने यहाँ माइनस कर दिया, और एक बार एडिटीज में घटा रहा हूँ तो ये मानते हैं कि वो पैसे नहीं दे रहा, लेकिन उसने कुछ तो दिया है। 30,000 के 30,000 देने से मतलब नहीं कर रहा, उसने कुछ तो दिया है, वो अमाउंट यहाँ निकालेंगे कि उसने कितना एक्स्ट्रा दिया। इसको समझिएगा ध्यान से, और इसको समझाने के लिए मैं जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ, ताकि यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहां से मैंने इसको रब कर दिया। अब जो मैं वर्किंग नोट बनाने वाला हूं दैट इज ए यूनिवर्सल वर्किंग नोट, मैं कहूंगा कि इसको आप नोट करेंगे, क्योंकि इस वर्किंग नोट को जनरली लोग बताते नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की तरीके से समझाऊं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है, वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा ये रहेगा इसके साथ कैलकुलेशन का, लेकिन साथ ही साथ वर्किंग नोट नंबर 2 भी आप मेंटेन करेंगे, और दूसरा वर्किंग नोट होगा कि कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर्स बाय ए। देखिए अगर ए के अलोटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालिए, और अप्लाइड दे रखे हैं तो अलोटेड निकालिए, दोनों निकालने जरूरी है, दोनों निकालने जरूरी है। कैसे निकालेंगे सर, इस कैटेगरी को एज इट इज नीचे लिख दीजिए, 10,000 को 5,000 शेयर्स, बड़ा सिंपल सा करूंगा, मुझे बता दीजिए इनका रेशियो कितना बनता है, दैट इज 2:1 सर, बिल्कुल। अब यहां पर आइए, यहां पर ये तो है अप्लाइड, ये तो है आपका अप्लाइड, और ये है आपका अलोकेट, और हमने मिस्टर ए जो लिया है वो होल्डर लिया है, होल्डर मतलब अलोकेट शेयर, अगर वो अलोकेट शेयर है तो अलोकेट शेयर का रेशियो कितना है 1, इसका मतलब इसको मुझे 1,000 मेंटेन करना है, 1,000 बनाना है। मैं कैसे इसको 1,000 बनाऊंगा, देखिए एक के साथ में 1, 2, 3 जीरो लगा देता हूँ, 1,000 हो गया, 3 जीरो इधर लगा दीजिए, 2 के साथ 1, 2, 3 2,000, इसका मतलब इसने 2,000 शेयर मांगे, मैंने इसको 1,000 शेयर दिए, इसने 2 मांगे मैंने 1 दिया। और दूसरा तरीका क्या, इस 1,000 को इस 1 से डिवाइड करें, कितना आया 1,000, यहाँ 1,000 से मल्टीप्लाई कराइए और यहाँ पर भी 1,000 से मल्टीप्लाई कराइए, ये हो गया 2,000, ये हो गया, ये हमारे पास आ गया अप्लाइड 2,000 थे, इसकी अलोकेट 1,000 थे, इसका मतलब 1,000 शेयर पर इसने एप्लीकेशन मनी जो कितने रुपए की थी, 40 रुपए की, के हिसाब से हमें 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं भाई, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक है। ओके 40,000 एक्स्ट्रा देखे, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को
स्टार्टिंग से गलत कर लिया, यहाँ पर ये जो एक्सेस मनी आया हमारे पास इसको हमें अब देखना चाहिए था, ये 5000 पर है, इस पर है ये 5000 पर है, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये 5000 पर है, तो 5000 के हिसाब से तो हमारे पास केवल 1.5 लाख रुपए बनते हैं अलॉटमेंट के, कितने बनते हैं 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पर, ठीक है, और मैं यूज कितने हैं मेरे पास 2 लाख, तो इसका मतलब 50000 रुपए हमारे आगे भी गए, 50000 रुपए हमारे आगे भी गए होल्स इन एडवांस, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारा वो पैसा आगे भी यूज होगा कॉल्स इन एडवांस पर, तो यहाँ पर हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है 40000 एक्स्ट्रा है, और इस व्यक्ति ने कितने पैसे देने थे अलॉटमेंट के 30000 रुपए देने थे, 30 देने थे तो हमने इसका माइनस कर दिया एडवांस रिसीव्ड 30000 रुपए, जो इसका पैसा मेरे पास बचा कितना बचा नील, यानी ये पैसा सारे दे चुका है, तो मुझे 1 लाख के 1 लाख से यहाँ पर क्या हो जाएंगे रिसीव हो जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ गलत कर गया और स्टार्टिंग में हमने इस पर फोकस नहीं किया, ये मैंने 10,000 पे 30 रुपीज के हिसाब से पैसा मांगा ना, तो ये सारा यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पर देखना ये पैसा क्योंकि इस कैटेगरी का पैसा बिलोंग करता है, 5000 शेयर पर ये पैसा हमने एडजस्ट करना था, और 5000 पर 30 के हिसाब से मैक्सिमम मैं 1,50,000 रुपए यहाँ मांग सकता था, 1,50,000 रुपए, तो 1,50,000 पर 2 लाख में से 50 बचते हैं, तो हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो हमने कहा था कि एज इट इज रहेंगी, उन एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, उन एंट्रीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहली एंट्री हमारी जो रहेगी वो रहेगी एज इट इज 10 लाख रुपए के साथ, 10 लाख रुपए के साथ, ये हमारी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस पैसे को जब हमने एडजस्ट किया था तो कैसे एडजस्ट करेंगे, 10 लाख रुपीज को आप एडजस्ट करेंगे कैसे, इनमें से हमारे पास 4 लाख रुपए तो आ गए शेयर कैपिटल का पैसा, 4 लाख रुपए हमने कर दिया रिफंड, और देखिए स्टार्टिंग में ही हमने गलती क्या कर दी कि 10 लाख पर 30 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, जो कि हमने थोड़ा सा गलत कर लिया, प्लीज आप इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पर 10,000 पर 30 की बजाय पहले देखेंगे 5,000 पर 30, मांगे तो 3 ही लाख जाने हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 5,000 है ना इनका ही एडवांस है, इस कैटेगरी में एडवांस नहीं है, तो इनका ही एडवांस है 5,000 पर, 5,000 पर यदि बात करता हूँ 30 के हिसाब से तो मेरे पास बनती है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए, मैंने ड्यू तो नहीं करनी है 3 लाख रुपए की, ड्यू तो मुझे कितनी करनी थी 3 लाख रुपए की, लेकिन 3 लाख पर मैं 2 लाख के 2 लाख अलॉटमेंट के एडवांस लूंगा, ये मैंने गलती कर दी, इसको 2 लाख में लेकर कितना एडवांस लेंगे, कितना एडवांस लेंगे, देखिए इस कैटेगरी में केवल 1.5 लाख ही मांगा है, तो 1.5 लाख ही मैं अलॉटमेंट यूज कर सकता हूँ एडवांस के, तो 1.5 लाख रुपए मैं यूज कर लूंगा इस पर अलॉटमेंट एडवांस के, और बाकी जो बचे 50,000 दैट विल बी ऑन यूज्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसको आप लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर टू बैंक, टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस और टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, थोड़ा सा हमने कंसेप्ट गलत रीड कर लिया, देखा नहीं, माफी चाहूंगा इसके लिए, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, पहली दो एंट्री हमारी ये रहने वाली है, अब उसके बाद अगर ये नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन होता, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन होता तो क्या होता, सारा पैसा मिल गया तो मुझे यहाँ 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पर, जो कि मुझे 3 लाख रुपए मिलने थे, 1.5 लाख रुपए पहले मिल चुके थे, तो 1.5 लाख में रिसीव कर लेता, और फिर मैंने कहा कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, उस कंडीशन में अलॉटमेंट की मनी क्या थी मेरे पास, उस कंडीशन में अलॉटमेंट की मनी मेरे पास आती कि भाई 3 लाख तो मैंने मांगे हैं और 1000 पर 30 रुपए मुझे नहीं मिलने वाले थे, फिर इसलिए मैं माइनस कर देता तो 70,000 बनता, लेकिन थोड़ा सा मैंने गलत कर लिया था, उसको थोड़ा करेक्ट करके चलेंगे, आप लोग करेक्ट क्या करके चलेंगे, ये एंट्री हमारी होगी सेकंड, ये हमारी एंट्री होगी फर्स्ट, ये हमने ड्यू कर ली 3 लाख की, और इस कंडीशन में कि वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है तो ये हमने उससे लेने हैं 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए कैसे आए, 3 लाख रुपए टोटल लेने थे, 2 लाख रुपए उसने एडवांस हमें दे दिए, तो ये हमने बच गया हमारे पास 1 लाख रुपए, अभी 2 लाख रुपए एडवांस दे दी, ये हमने यहाँ गलती कर दी, ये हमने यहाँ क्या कर दिया, अब गलत कर दिया, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, एडवांस केवल 1,50,000 रुपए है, तो 1,50,000 रुपए ही आपको यहाँ पर मिलने थे, अब 1,50,000 जो मुझे मिलने थे और 1,000 को जो पैसे नहीं मिल रहे वो सारे पैसे हमने दे रहा है, तो ये पैसा जो अभी 1 लाख रुपए मैंने यहाँ लिखा, इसको आप करेक्ट करके क्या लिख देंगे, 1,50,000 रुपए, ये पैसा आपको
मिलेगा 1,50,000 रुपए। ये पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ध्यान दीजिए, पैसा आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर रिसीव होने वाला। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 30 रुपए की थी। ये दो वर्किंग नोट एक बार फिर से समझेंगे। देखिए टोटल ड्यू 3,00,000 रुपए, अलॉटमेंट पर एडवांस कितना यूज हुआ है? 1.5 में मान सकता था, 2 आए हुए हैं तो 1.5 लाख मैंने यहाँ यूज किए हैं, 50 मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए वो मैंने कोर्स में एडवांस कर लिए, तो 1.5 लाख मैंने यहाँ माइनस कर दिए, बचे मेरे पास कितने 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में 1,000 का होल्डर था, शेयर होल्डर, उसने 30,000 रुपए से बंद दे दिए जो कि वो नहीं दे रहा था। लेकिन मैं वर्किंग नोट बनाकर देखा तो पता लगा कि उसने 2,000 शेयर मांगे थे, मैंने उसको 1,000 शेयर दिए थे, तो उसने 1,000 शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से मुझे 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे थे जो कि बनते हैं 40,000 रुपए। अब मुझे लेने के और अलॉटमेंट के 30 ही है, जो 10,000 उसका एक्स्ट्रा नोट बचा हुआ है वो मैं उसका कोर्स को यूज करूंगा, कोर्स का कैलकुलेशन करूंगा, तो यहाँ उसका मतलब उसने सारा रकम दे दिया, मैंने वो कर दिया यहाँ पर बिल 1,50 की मैंने यहाँ कर ली रिसीविंग। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी एंट्री कौन सी, फिफ्थ एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए फिफ्थ एंट्री क्या है हमारी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट? ये डेबिट होगी सर 30 रुपए के हिसाब से 3,00,000 रुपए की, नो डाउट 3,00,000 रुपए की ही डेबिट होने वाली है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 3,00,000। अब इसकी रिसीविंग के लिए मुझे दोबारा से सेम वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जैसा वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर दे दिया, क्योंकि मेरे पास कॉल्स इन एडवांस भी था 50,000 रुपए का। अब सेम वर्किंग नोट जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या रखूंगा वर्किंग नोट बनाते हुए, देखिएगा 3,00,000 रुपए मुझे ड्यू हुए हैं टोटल, ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने ये ड्यू कर दिए 3,00,000 रुपए के। इसमें से मैंने लेस कर दिया जो मुझे एडवांस मिला एप्लीकेशन पर, That is 50,000 rupees, ये 50,000 मैंने माइनस कर दिए, तो बचे मेरे पास कितने 2,50,000 रुपए। अब इसमें 1,000 का जो शेयर होल्डर था वो 30 रुपए के हिसाब से अगर बात करें तो 30,000 रुपए हमें नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि उसने एडवांस मुझे कितना दे रखा था 40,000 रुपए, जिसमें 30 तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, 10 उसका बचा हुआ है, तो 10 उसका हम यहाँ माइनस करके चलेंगे तो मेरे पास बच जाएंगे कि 20,000 रुपए मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दे रहा, तो टोटल कितने रुपए मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलने वाले हैं 2,30,000 रुपए। और इसकी मैं क्या रिसीविंग की एंट्री करूंगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों मैंने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया, क्योंकि पहले मैं इसको क्या कर चुका हूं, क्रेडिट कर चुका हूं, इसलिए अब मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा ताकि मेरी एंट्री क्लियर हो जाए, ताकि मेरी एंट्री क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक बार इस पूरे क्वेश्चन को रद्द करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ ताकि आप इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से समझ सके। जो गलती स्टार्टिंग में हमने कर दी वो गलती दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करने वाले हैं, आपको मैं एक टेबल दोबारा से फ्रेश क्वेश्चन पेपर बनाकर दिखाता हूँ, आप उस क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मैं इसको रद्द कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, अदरवाइज मैं इसको पूरे को रद्द कर रहा हूँ, दोबारा से एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे लूंगा और उस क्वेश्चन के एग्जाम्पल को दोबारा से समझते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को हम करेक्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो उसको ठीक करने के लिए एक बार दोबारा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, उनका क्या उसको गलत तरीके से समझ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए मैं एग्जांपल फिर से समझाता हूँ। पूरा का पूरा एग्जाम्पल कम्प्लीट बोर्ड पर मैं रखने वाला हूँ, मैं इसे कुछ रद्द नहीं करूंगा, आप उसका बाद में जो है एक स्क्रीन शॉट भी ले लें। होप सो कि आपको ये बोर्ड क्लियर हो गया होगा, दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल को समझकर दोबारा से एक टेबल मेंटेन करेंगे और जनरल एंट्री अब पास करके देखेंगे। मैं यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। मान लेते हैं कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया, शेयर्स ऑफर कर दिए पब्लिक को। कितने शेयर्स ऑफर कर दिए,
मान लेते हैं कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं 20,000, ठीक है। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई, कंपनी के पास क्या आई, एप्लीकेशंस आई, एक मिनट रुकिएगा, हाँ बिल्कुल सही है ना। अच्छा सागर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए एक्स लिमिटेड ऑफर 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हमें, एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई वो कितनी हुई, दैट इज सपोज करते हैं हमें एप्लीकेशन मिली 45,000 शेयर्स के लिए और ऑफर्ड शेयर कितने हैं, ऑफर्ड शेयर हमारे हैं 20,000 शेयर्स। तो यहां पर मैं कैटेगरी मेंटेन करता हूं, मान लेते हैं कैटेगरी ए हमने रखी कि भाई हमने 35,000 को तो दे दिए 15,000 शेयर और 5,000 को हमने दे दिए, बाकी बचे 5,000 शेयर बी कैटेगरी में, और एक सी कैटेगरी हमने रख ली जो 5,000 बचे मेरे पास उनको हमने कर दिया मना, ये तीन कैटेगरी हमने ले ली। यहां पर हम पैसा मांग लेते हैं, कंपनी जो पैसा कैसे मांगती है, मांग लेते हैं एप्लीकेशन पर पैसा मांगा, अलॉटमेंट पर पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगा और फाइनल कॉल पर पैसा मांगा। यहां पर पैसा इस तरीके से मांगा कि शेयर एक जो है वो फेस वैल्यू कितनी है, शेयर की ले लेते हैं, दैट इज रुपीज 100, ठीक है। एप्लीकेशन तो हम लिख लेते हैं, कंपनी ने मांगे 30 रुपए, अलॉटमेंट पर मांगे 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मांगे 25 रुपए और यहां पर मांग लिए हमने 20 रुपए। ये सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तब हम प्रोग्रामेटिक क्वेश्चन को ठीक तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहां पर ये इस तरीके से मांगा और मैंने यहां पर डाल दिया है कि पहला पॉइंट सारा पैसा कंपनी ने मांग लिया, सारा पैसा मिल भी गया, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वाला पॉइंट में डाल रहा हूं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट छोड़कर मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है और उसको हमने 1500 शेयर अलॉट कर रखे हैं, कितने शेयर अलॉट कर रखे हैं 1500 शेयर अलॉट कर, और वो हमें नहीं दे रहा, वो हमें नहीं दे पा रहा, क्या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा और फाइनल कॉल का पैसा भी उसने हमें नहीं दिया, ठीक है। सेकंड एक कैटेगरी और ले लेता हूं, मिस्टर बी एक व्यक्ति है जिसने कि अप्लाइड किए हैं, कितने शेयर अप्लाइड किए हैं उन्होंने अप्लाइड किए हैं, सपोज करते हैं 3,000 शेयर और उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, उन्होंने हमें नहीं दिया फर्स्ट कॉल नहीं दी और उन्होंने हमें क्या नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपके पास प्रोराटा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो आप एक टेबल बनाइए, मैंने पूरा स्पेस इसलिए ब्लैंक कर रखा है ताकि मैं इसकी टेबल बनाकर आपको समझा सकूं कि एंट्री हम कैसे करेंगे, और जरा सा अबकी बार थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि पिछली बार मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, अबकी बार गलती करने के चांसेस नहीं रखेंगे हम लोग। कैलकुलेशन टेबल इसको नाम देंगे, आप लोग इस टेबल को आप बनाना सीख लीजिए, काफी कुछ आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ये मैंने टेबल का एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ मेंटेन कर लिया है, ये लीजिए, और मैं इसको पूरा लंबा मेंटेन कर रहा हूं ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर मैं इसमें लिख सकूं, थोड़ा बड़े बड़े अक्षर में लिख सकूं। ये कैटेगरी के लिए बना लिया मैंने, कैटेगरी तीन कैटेगरी है ए बी सी, और ये मेरा टोटल का फॉर्म यहाँ एज इट इज रहने वाला है, ये आपका टोटल का फॉर्म, ठीक है। यहां पर आप इक्वल इक्वल दो पोर्शन में दो बराबर बराबर कॉलम बना लेंगे और एक लाइन यहां लगा देंगे, बीच में से एक लाइन लगा देंगे और इनके दो इक्वल इक्वल कॉलम में इसको बांध देंगे, तो यहां पर एक कॉलम बन जाएगा एक्सेस मनी का, ठीक है। यहां तक काम करते हैं, पहले देखिए ये तो हो गए यहां शेयर्स, शेयर्स में आप यहां लिखेंगे अप्लाइड,
यहां लिखेंगे अलॉटेड, यहां आप आ जाइए एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 30, 30 रुपए के हिसाब से ले ली हमने मनी, और ये हम अप्लाइड पर कितने रुपए ले रहे हैं और अलॉटेड पर एक्चुअल में कितने रुपए हमें लेने चाहिए थे उसके बारे में, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज योर एक्सेस मनी, दैट इज योर एक्सेस मनी जो आपने रिसीव की, ठीक है, ये एक्सेस मनी है जो आपने रिसीव्ड की है, ये उसके बारे में है। तो यहाँ पर थोड़ा ठीक करके देखते हैं इसको, यहाँ पर कैटेगरी है 35,000 को आपने शेयर कितने दिए हैं, 15,000 शेयर्स आपने दिए हैं, ठीक है, और 5,000 को शेयर्स कितने दिए हैं, 5,000 शेयर्स आपने दिए हैं, और रिमेनिंग 5,000 के साथ क्या हुआ, उनको रिग्रेट लेटर हमने साइन कर दिया, टोटल हो गए 45,000 शेयर्स जो अप्लाइड हुए, और यहाँ हो गया 20,000 शेयर्स जो हमने ऑफर्ड किए। अब एप्लीकेशन मनी 30 रुपए के हिसाब से 35,000 पर हम कितने रुपए ले सकते हैं, 3 और 1 4 जीरो तो आप एडिट कर सकते हैं, और 35 3 105, ये हमें 105 1,50,000 रुपए हमें मिले हैं, 15 3 45 4.5 लाख रुपए मैक्सिमम में यहाँ पर यूज कर सकता था, 5,000 पर 30 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मुझे यहाँ मिले हैं, और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम में क्या कर सकता था, यूज कर सकता था, 1.5 लाख मुझे यहाँ मिले हैं और मैक्सिमम में कुछ भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने इनको कोई शेयर दिया ही नहीं, अगर कोई शेयर नहीं दिया तो इनका टोटल कर लीजिए, 45,000 शेयर पर 30 के हिसाब से 3 5 15 3 6 12 13 13,50,000 रुपए मेरे पास आए, 10 11 12 13,50,000 टोटल बनता है, 4 5 और 6 लाख रुपए मैंने टोटल यूज करने हैं इसमें से एप्लीकेशन पर, क्योंकि 20,000 शेयर पर 30 के हिसाब से 6 लाख रुपए बनते हैं। अब एक्सेस मनी कितनी है देखिए, यहाँ 10,50,000 एक्स्ट्रा है, मतलब कितने रुपए हमारे पास आए और 4.5 हमने यूज करने थे, तो 10 में से 4 के 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पर 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा है, टोटल मिलाकर 7.5 लाख रुपए है मेरे पास एक्स्ट्रा है, देखिए 13,50 मेरे पास आए, 6 लाख मैक्सिमम में यूज कर सकता था, 13,50 में 6 लाख माइनस करेंगे तो 7.5 लाख रुपए आपके यहाँ बनते हैं, तो 7.5 लाख रुपए यहाँ बनते हैं, फिर यहाँ पर 7.5 लाख रुपए लिखेंगे। अब यहाँ पर आइएगा आगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कोल्स को मांगना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोल्स को मांगना शुरू करेंगे, एप्लीकेशन के बाद दूसरी कॉल कौन सी आती है, अलॉटमेंट, चलिए हम इसको थोड़ा पहले कर लेते तो शायद गलती नहीं करते, और हमने थोड़ा सा शॉर्टकट के चक्कर में गलत कर लिया, लिख लिया यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹25, 25 रुपए के हिसाब से आप देखिए ड्यू कितनी बनती है, ये ड्यू बनेगी अलॉटेड शेयर्स पर, ध्यान रखिएगा अलॉटेड शेयर्स पर आपको ड्यू करना है, 15,000 पर 25 रुपए के हिसाब से जी मैं ड्यू करता हूँ, 25,000 25,125 असल 12 25 से कम 25 और 12 37 3,85,000 रुपए यहाँ मैंने ड्यू कर लिए, यहाँ पर 25,125 1,25,000 मैंने ड्यू कर लिए, यहाँ कुछ भी ड्यू नहीं होगा, टोटल 20,000 पर 25 के हिसाब से 5 लाख ड्यू बनते हैं, और जोड़ करके देख लीजिए गलती नहीं हो रही, चांसेस रह जाएंगे 3 75 + 1 25 5 लाख रुपए यहाँ पर आकर बनते हैं, राइट। यहाँ पर आइएगा आप देखिए, यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट एडवांस यूज ऑन अलॉटमेंट एज एन एडवांस, यहाँ पर एक्सेस कितने हैं 6 लाख रुपए, मांगे कितने 3 75, तो इसका मतलब 2 लाख, इसका मतलब कि 3,75,000 एज इट इज इसमें से निकाले जा सकते हैं, इसमें से एज इट इज निकाले जा सकते हैं, तो इसका मतलब 3,75,000 के 3,75,000 के मुझे एज एन एडवांस पहले ही मिल चुके, जब मैं इस पैसे को मांगूंगा इस व्यक्ति से तो उसने मुझे सारा पैसा एडवांस दे दिया है, अब इससे मुझे कुछ भी एडवांस नहीं मिल रहा है, यहाँ डेट लगा लीजिए, यहाँ डेट लगा लीजिए, तो 3,75,000 मैंने यूज कर लिया अपने काम पर अलॉटमेंट पर एज एन एडवांस। आइए आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने रुपए की है, 25 रुपीज की ड्यू है, 25 से इसको ड्यू करेंगे, अब 25 से इसको ड्यू करेंगे तो क्या आएगा सेम, क्योंकि तो 25 से मैंने अलॉटमेंट ड्यू की और 25 से मेरी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, तो 3,75,000 रुपए मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जो मैंने मांग लिए, 1,25 मैंने यहाँ मांग लिए, टोटल मैंने लिख लिए 5 लाख रुपए, ये लिए 5 लाख,
अब यहाँ 5 लाख जो मैंने यहाँ लिखे हैं उसको हम कैसे लेकर चलेंगे? यहाँ देखिए एडवांस लिखेंगे, एडवांस यूज्ड ऑन फर्स्ट कोड, एडवांस यूज्ड ऑन फर्स्ट कोड, कितना पैसा फर्स्ट कोड पर एडवांस लिखेंगे, यहां से चलेंगे 6 लाख टोटल एडवांस आया था इस कैटेगरी में, 375 मैंने अलॉटमेंट के मांगे तो 375 एजुटी मैंने यूज कर लिए, मेरे पास कितने बचे 6 लाख माइनस में 375, यानी कि 2,25,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं अभी भी, और फर्स्ट कॉल पर मैं मांग रहा हूँ 375,000 रुपए, तो इसका मतलब 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, यहाँ लिख लूंगा 2,25,000 जो कि मैं फर्स्ट कॉल पर एज एन एडवांस यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ 375,000 रुपए, यूज कितने कर पाऊंगा 2,25,000 रुपए, यहाँ पर मैं कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा तो रेट लगा देंगे, तो 2,25,000 यहाँ पर यूज कर लेंगे। सर इसका क्या करोगे? ये अभी हम चलेंगे आगे, क्योंकि अभी पैसा यहाँ फर्स्ट कॉल पर यूज हुआ ना, तो इसका कॉलम आखिरी में मेंटेन करेंगे, क्योंकि कॉल है रिफंड कॉलम। तो अब आगे चलते हैं फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल कितने रुपए की ड्यू हुई, फाइनल कॉल कितने रुपए की ड्यू हुई, दैट इज ऑफ रुपीज 20 ईच, कितने रुपए की ड्यू हुई है ये 20 रुपीज की, तो 20 रुपीज आप इसको ड्यू कर लेंगे, किस पर कर लेंगे, अलॉटेड शेयर पर कर लेंगे, 15,000 × 20 3 लाख रुपए आपने इस कैटेगरी में पैसा मांग लिया, 5,000 × 20 1 लाख रुपए आपने यहाँ मांग लिया, यहाँ कुछ मांग ही नहीं सकते आप, टोटल 4 लाख रुपए आपने मांग लिए हैं, और देखिए एडवांस मेरे पास इस कैटेगरी में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 375 आपने यहाँ यूज कर लिया, 2,25,000 आपने यहाँ यूज कर लिया, 6 लाख खत्म। तो ये एलिबीज मांगूंगा, अगर कोई देने से मना कर रहा है तो उसका पैसा माइनस करूंगा और मैं रिसीव करूंगा। अब आखिरी का कॉलम जो रहेगा दैट इज फॉर योर रिफंड, उस कॉलम को आप रख लेंगे किसका, रिफंड का कॉलम, क्योंकि अब कोई कॉल तो मेरे पास बची ही नहीं, तो रिफंड जनरली टू बैंक से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, यहाँ 1,50,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा थे जिनका अब तक कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ये आपने कर दिए रिफंड। ये 7 साल रिफंड करने होते हैं, लेकिन कॉलम मैंने आखिरी में इसलिए मेंटेन किया है कि अगर मान लो यहाँ पर 6 लाख की बजाय ये 10 लाख 15 लाख कुछ होता, और यहाँ पर अलॉटमेंट पर एडवांस होने के बाद, फर्स्ट कॉल पर पूरा पूरा एडवांस होने के बाद, फाइनल कॉल पर पूरा पूरा एडवांस होने के बाद कुछ बच जाता तो वो भी मुझे रिफंड करना, तो इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है। अब ये तो हो गई मेरी कंप्लीट टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंगली मैं करूंगा अपनी जनरल एंट्रीज पास। आइए देखते हैं जनरल एंट्री कैसे पास की जाएंगी, वन बाय वन करके जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, कहीं गलती करूं तो प्लीज मुझे बता भी दें। देखिए मैं फिर से कहूंगा कि ह्यूमन टूअल इज ह्यूमन टू एरर, तो मैं बता रहा हूँ कि आदमी गलतियों का पुतला है, तो गलती का पुतला, मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ फेस टू फेस ऑनलाइन आया हूँ, और बहुत मतलब एकदम फेस टू फेस आना मेरे लिए एक बड़ी बात है, मैं फेस टू फेस अब तक तो मैं रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ, तो कुछ गलती होती तो मैं उसको ठीक कर लेता था, लेकिन आप फेस टू फेस समझा रहा हूँ, गलती अगर होती है तो प्लीज आप जो है मुझे वहां पर करेक्ट करें, ताकि मैं फ्यूचर में गलती को दोबारा ना करूँ। लेकिन अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहली एंट्री मैं करूंगा कि टोटल मेरे पास 13,50,000 रुपए एप्लीकेशन पर मिले और 6 लाख में मैक्सिमम यूज कर सकता हूं, तो पहले रिसीविंग की एंट्री करेंगे 13,50,000 रुपए, ये मैंने रिसीव कर लिए हैं 13,50,000 रुपए। ऑप्शो की पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, ये एंट्री मैं क्या लिखने वाला हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 13,50,000 रुपए यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरी एंट्री पर चलते हैं, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब दूसरी एंट्री को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में इजीनेस रहेगी, 13,50,000 रुपए मेरे पास टोटल है, इनका यूटिलाइजेशन मैंने कैसे कैसे किया, 6 लाख रुपए तो मैंने जो है पार्टिकुलरली एप्लीकेशन पर यूज किए, जो कि कैपिटल का पैसा बनता है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, टू शेयर कैपिटल, क्या लिखूंगा, टू शेयर कैपिटल। अब उनमें उनके पास क्या हुआ कि मेरे पास जो एडवांस पैसा आया था ना, उनमें से मैंने 1,50,000 रुपए लेके सबसे आगे जाकर रिफंड कर दिए, तो टू बैंक लिख कर चले आप यहाँ पर, क्या लिख कर चले, टू बैंक 1,50,000 रुपए आपने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। अब बाकी जो बचे 13,50 और 6,750, अगर इनको माइनस कर दो 6 लाख रुपए बचते हैं, वो 6 लाख रुपए ये रहे, देखिए 6 लाख का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, 375 तो अलॉटमेंट पर यूज हुआ और 2,25,000 रुपए कॉल्स पर यूज हुआ, फर्स्ट कॉल पर। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट,
टू शेयर अलॉटमेंट पर मैंने कितने रुपए लिख दिए, 375,000 रुपए एडवांस, और बाकी के टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिख दूंगा, टू कॉल्स इन एडवांस 225,000 रुपए टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिख दूंगा। ये दो एंट्री अगर आपको क्लियर नहीं हुई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दे, मैं कमेंट देख लेता हूँ तो मैं दोबारा एंट्री को बता दूंगा आप लोगों को, यदि क्लियर नहीं हुई है तो। कि आपको ये एंट्री क्लियर है, अगर आपको ये एंट्री क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। एक बार यस या नो का मैसेज छोड़ दीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर आइएगा एंट्री नंबर थर्ड, तीसरी एंट्री ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट पर कितने रुपए ड्यू की हमने, 5,00,000 रुपए। तो ये मैंने सिंपल सी एंट्री डाल दी 5,00,000 रुपए की, और ये एंट्री क्या कर दी आप लोग मुझे बता देंगे जल्दी जल्दी से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री मैंने यहां पर डाल दी है। मैं शो रिप्लेस कर देता हूं, एक मिनट दीजिएगा, ये मैंने एंट्री यहां लिख दी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर कैपिटल। अब मैं इसको रिसीव करना चाहता हूं, इसके रिसीविंग की एंट्री पर फोकस करेंगे आप लोग, रिसीविंग की एंट्री पर फोकस करेंगे। यहां मैं इसका एक वर्किंग नोट क्रिएट कर रहा हूं कि कैसे इस पैसे को मैं रिसीव करने वाला हूं। देखिए ड्यू ऑन अलॉटमेंट आपको पता ही है 5,00,000 रुपए है, माइनस एडवांस रिसीव्ड जो आपने यूज किया है एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर, तो कितना यूज किया है 375,000 रुपए, 375,000 रुपए यहां देखिएगा 375, तो ये आप इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितने पैसे बचे 125,000 रुपए। ये आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, ये 1500 शेयर का होल्डर था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब 1500 शेयर का होल्डर कौन सी कैटेगरी में है, कैटेगरी नंबर वन, 35,000 को 15,000 शेयर हमने दिए हैं, तो सीधी सीधी सी बात है इस कैटेगरी में एक बार ये देख लीजिए इनका सारा का सारा पैसा क्या आया हुआ आपके पास, एडवांस आया हुआ है, ये सारा का सारा पैसा हमने क्या यूज किया है एज एन एडवांस यूज किया, इसका मतलब इस कैटेगरी में अलॉटमेंट का पैसा देने वाला ना देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। अब वो लिखा है कोई बात नहीं, उसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो कैसे कैलकुलेट करके देखेंगे, देखिए मैंने बताया कि आप कैटेगरी लिख लेंगे 35,000 को 15,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे एक जीरो से जीरो काट दीजिए, तो इसने 3500 शेयर मांगे होंगे, हमने इसको 1500 शेयर दिए होंगे, तो इसके 2000 शेयर पर एप्लीकेशन मैंने कितने रुपए की हमारी, 30 रुपए की है, 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया होगा कितने रुपए, 60,000 रुपए, ठीक है 60,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आया होगा, 60,000 रुपए एक्स्ट्रा आया होगा। अब 60,000 में से अगर मैं इस 1500 वाले से बात करूं कि भाई 25 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा आप नहीं दे रहे हो, वो कह रहा है भाई साहब एक बार चेक तो करो कि मेरा कितना पैसा आपके पास एडवांस आया हुआ है, हमने देखा कि 60,000 का एडवांस आया हुआ है और मैं इतने मांग ही कितने सकता हूँ 1500 पर, केवल 25 रुपए के हिसाब से देखिए कितने मांग सकता हूँ, तो 25 × 1500 यदि मैं करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास 3,75,000 रुपए बनते हैं, 3,75,000 सॉरी 37,500 रुपए, जबकि एडवांस कितने हैं इसके 60,000, इसका मतलब है कि सारे पैसे दे चुका, सारे पैसे दे चुका, तो मुझे अब कितने रुपए मिल जाएंगे 1,25,000 रुपए मुझे यहाँ रिसीव हो जाएंगे, तो मैं 1,25,000 रुपए अलॉटमेंट के रिसीव कर लूंगा। होप सो कि आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एंट्री क्लियर हुई होगी। आइए थोड़ा चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब आगे चलते हैं फिफ्थ कॉल पर, फिफ्थ कॉल कौन सी हमारी, फिफ्थ एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट कॉल की ड्यू की, वो भी 5,00,000 रुपए से ड्यू हो रही है, ये लीजिए 5,00,000 से मैंने इसको ड्यू कर दिया, और ये मैंने क्या एंट्री पास कर दी होगी जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, ये मैंने एंट्री पास कर दी है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपए के साथ। अब मैं इसको रिसीव करना चाहता हूँ, अब मैं जब इसको रिसीव करूंगा तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे, देखिए फर्स्ट कॉल पर भी मैंने कुछ एडवांस एडजस्ट कर रखा था 2,25,000 रुपए, तो ये जो वर्किंग नोट मैं बना रहा था ये मैं किसके लिए बनाऊंगा, फर्स्ट कॉल के लिए बनाऊंगा,
तो मैं यहां ड्यू ऑन फर्स्ट फॉर लिख दू तो ऑप्शन की आपको कोई एतराज नहीं होगा 5 लाख रुपए के साथ, और माइनस जो एडवांस मुझे मिल चुका है कितना 2,25,000 रुपए, तो मैं इस 2,25,000 रुपए यहां लिख देता हूं, 2,25,000 रुपए मैं लिख देता हूं, ये मुझे एडवांस मिल चुका। तो अब मुझे कितने और मिलने चाहिए थे, 75,000, 3 लाख, 3 और 2, 5 लाख, 2,75,000 मुझे मिलने चाहिए थे फर्स्ट फॉल के, लेकिन हुआ क्या कि यही 1500 शेयर का होल्डर फर्स्ट फॉल भी नहीं दे रहा, और साथ ही साथ 3,000 का अप्लाइड जो कि फर्स्ट फॉल की तरफ से नहीं दे रहा, अप्लाइड है तो यहाँ कैटेगरी वो ए से ही बिलोंग करता है, वो लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि अप्लाइड की कैटेगरी तो यही है राइट, और अप्लाइड की है तो मैं लॉटरी नहीं करूंगा, क्लियर है, हम इस कैटेगरी में नहीं लेंगे, इसका लिखने का भाव यही रहेगा कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, इसको कैटेगरी ए से ही मानेंगे आप लोग। यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं आइए देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई 3,000 इसको अप्लाई किए तो इसको हमने अलोट कितने किए होंगे। अब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, इस वर्किंग नोट को थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, अगर आप परमिशन दे तो क्या ये एंट्री मार्क यहाँ से हटा दूं, नहीं सर ये मत बताइएगा, बाद में समझने में हेल्प करेगी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले 1500 शेयर वाले की बात करता हूँ, 60,000 इसने एडवांस दिए थे, 37,500 में यूज कर चुका हूँ, अब मेरे पास बचे कितने इसके 22,500 रुपए, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1500 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल की अमाउंट बनती है 37,500, जबकि इसका एडवांस यूज कर सकता हूँ मैक्सिमम 22,500, तो इसका मतलब 15,000 रुपए ये मुझे फर्स्ट कॉल पर नहीं दे रहा है, तो 15 पर ये माइनस हो जाएंगे सीधे सीधे। अब ये 15 जो मैं माइनस कर दूंगा उसके बाद चलते हैं बस आगे, उसके बाद आगे क्या करेंगे कि भाई देखिए ये व्यक्ति भी कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, हाँ जी कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, लेकिन ये क्या है अप्लाइड है, अगर ये अप्लाइड है तो मैं पहले इसके एलोकेट निकाल लेता हूँ, ये कौन सी कैटेगरी है 35,000 को हमने कितने शेयर दे रखे हैं इसमें 15,000 शेयर दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये अप्लाइड है कितने का 3,000 का, तो लो भाई रेशो बना लेते हैं इसका, क्या रेशो बना 5 × 35 और 5 × 3 = 15, 7:3 का रेशो बना, लेकिन ये अप्लाइड है 3,000 का राइट, अब 3,000 का ये अप्लाइड है तो 7 से इसको डिवाइड करता तो पूरा तो बात बोल नहीं रहा, लेकिन जितना भी आएगा अप्रोक्स हम लेके चलेंगे, जितना भी आएगा हम उसको अप्रोक्स लेके चलेंगे, या फिर थोड़ा सा हल्का सा मैं चेंज कर दूं तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए आप लोगों को, अप्रोक्स को एक बार डाल लेते हैं, मान लेते हैं ये 2800 शेयर का होल्डर है, अप्लाई करने वाला कितना है 2800 शेयर का अप्लाई करने वाला है, इसको 2800 कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए समझ में आ जाए, तो यहाँ पर 2800 इसने अप्लाई किए हैं, अप्लाई मेरे पास 7 आया है रेशो में, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 400, और इसको 400 को मैं दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, जिसने मांगे 2800 शेयर मैंने उसको दे दिए 1200 शेयर, तो इसका भी कुछ एडवांस मेरे पास रहा होगा, वो एडवांस क्या रहा होगा ये चेक करते हैं, वो एडवांस रहा होगा 2800 - 1200 दैट इज 1600, 1600 शेयर पर एप्लीकेशन बनी थी मेरी 30 रुपए की, तो 30 के हिसाब से 48,000 रुपए मेरे पास इसके क्या आए हुए हैं एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब इस 48,000 में से मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे ये करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति के 1200 शेयर पर अलॉटमेंट कितने रुपए हैं 25 रुपए हैं, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे, 1200 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट कितने बनेगी 12 × 24 = 60 30,000 रुपए बनती है, 30,000 रुपए आप यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 30,000 हमने यहाँ माइनस कर दिए, क्यों माइनस कर दिए 30,000 रुपए को बता दें मुझे, क्योंकि ये अलॉटमेंट पर यूज हुए होंगे, टोटल अलॉटमेंट टोटल एडवांस इसका कितना है 48,000, और अलॉटमेंट मैं मांग चुका हूँ तो अलॉटमेंट तो सारी आ चुकी थी, तो अलॉटमेंट का पैसा मुझे वहां आना पड़ेगा 30,000 रुपए, अब बचे कितने इसके एडवांस 18,000 रुपए, अब 18,000 रुपए पर 1200 शेयर होल्डर से मैं फर्स्ट कॉल के मांगूंगा कितने 30,000, 18 इसने दे रखे हैं, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा इसी को हम और ठीक से करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम इसको, मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाहता हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ,
आइए देखते हैं, ये पोर्शन मैं यहां पर रख कर देता हूं, कितना पोर्शन तो हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी यहां पर। देखिए ये वर्किंग नोट थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पर दूसरा व्यक्ति है 1200 शेयर का होल्डर, इस पर 25 रुपए बनते हैं फर्स्ट कॉल के हिसाब से 30,000 रुपए, और माइनस कर देंगे इसका एडवांस। देखिए टोटल एडवांस इसने दिया था मुझे 48,000, जिसमें से 30,000 मैं अलोटमेंट पर यूज कर चुका हूं, और बचे कितने केवल इसके 18,000, ये मैं यहां माइनस कर दूंगा, तो ये 12,000 मुझे नहीं दे रहा है। तो इन दोनों व्यक्तियों से मुझे क्या नहीं मिल रहा, 15,000 27,000 नहीं मिल रहे हैं। 27 आप माइनस कर देंगे 2,75 माइनस में 15, ये हो गए 260, 260 माइनस में 12, ये हो गए 248,000। तो ये मुझे यहाँ पर रिसीव हो जाएगी 248,000 का अमाउंट, 248,000 का अमाउंट। अब बात आती है नेक्स्ट कॉल की, सेवंथ की। तो 20 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पर मैं अगर मांगता हूं तो मुझे कितने रुपए मांगने पड़े थे, मुझे मांगने पड़े थे 4,00,000। अब 4,00,000 रुपए की मुझे ड्यू की फोन करनी थी, तो लीजिए मैं उसको यहां लिख देता हूं, 4,00,000 रुपए की सातवीं एंट्री में लिख दी, 4,00,000 रुपए का मैंने इसको क्या कर दिया, ड्यू कर दिया है, ड्यू कर दिया है। अब मुझे रिसीव होंगे, और ये दोनों के दोनों व्यक्ति मुझे पंद्रह कॉल नहीं दे रहे हैं, ये दोनों बनते कितने हैं 1200 प्लस 1500 2700 से, और 20 रुपए के हिसाब से 54,000 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। तो 4,00,000 मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन 54,000 मुझे नहीं मिलेंगे, तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 3,40,000 रुपए की मैं रिसीविंग कर लूंगा। और यहाँ पर ये जो मैंने एंट्री की है इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल कॉल्स इन एडवांस कितना यूज हुआ है, यहाँ पर हमारा 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए, ये 2,25,000 रुपए कॉल इन एडवांस को आप यहाँ लिख कर चलेंगे, और जो एरिया रहा वो कितना रहा, एरिया रहा हमारा 15,12,27,000 कोच इन एरियर भी आप लिख लेंगे, और टोटल हमारे पास कितने आ गए, 5,00,000 रुपए की एंट्री। ऐसे आपको एंट्री करनी है कॉस्ट कॉल की। अब फाइनल कॉल की 4,00,000 से ड्यू करनी है, और यहाँ 4,00,000 में से 54,000 में पहले ही, 54,000 में पहले ही उन्होंने मना किया है कि वो नहीं दे रहे हैं, तो माइनस कर देंगे और 3,46,000 रिसीविंग कर लेंगे। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा, और मैक्सिमम मैंने कोशिश की एक सिंपल क्वेश्चन को समझाने की, कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और हम गलत कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, मैं थोड़ा सा आउटव्यू दे दूं इस क्वेश्चन के बारे में, मैंने इस क्वेश्चन में क्या रखा है, सबसे पहले मैंने रखा है कि कंपनी है वो इतने इतने शेयर ऑफर कर रही है, इतने शेयर अप्लाइड हुए हैं, इतने तीन कैटेगरी में बना ली, 35 को 15, 5 को 5, 5 को nil, और हमने एक टेबल मेंटेन कर ली थी इसके बारे में ताकि हम एनालाइज कैलकुलेशन कर सकें। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने एंट्री करनी स्टार्ट की, 13,50,000 मुझे एप्लीकेशन में मिले, और उसको मैंने ऐसे ऐसे एडजस्ट किया, 13,50,000 में से 6,00,000 रुपए मेरे कैपिटल के, 1,50,000 मेरा रिफंड का अमाउंट, और उसके बाद 3,75,000 रुपए अलॉटमेंट पर हमने यूज किए थे, 2,25,000 रुपए हमने कॉल से यूज किए, उसके बाद हमने 5,00,000 की कॉल मांगी और उसमें से 1,25,000 रुपए रिसीव हुए। कैसे रिसीव हुए, 5,00,000 पर हमने मांगे, 3,75,000 में एडवांस मिल चुके थे, 1,25,000, और इस कैटेगरी में सारा पैसा था कि मुझे एडवांस मिल गया था, तो बीच में देने से मना कर भी दिया था, तो उसका पैसा एडवांस आ चुका था, तो 1% मिल जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ कॉल हमने 5,00,000 की ड्यू की, 5,00,000 पर मुझे 2% एडवांस मिल चुके थे, 2,75,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 1,500 शेयर का होल्डर मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो वहां पर मैंने देखा कि 36,500 बनते हैं, एडवांस बचते हैं उसके 22,500, टोटल उसके एडवांस दिए थे 60,000, इसमें 36,500 मैं पहले अलॉटमेंट पे यूज कर चुका हूँ, अब यहाँ पर 22,500 उसके बचे हुए थे, तो 15,000 नहीं दे रहा था। ऐसे ही 1200 शेयर का होल्डर नया निकाला, यहाँ ने लिखा था 3,000, अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखा 2,800, ताकि हमारी कैटेगरी ठीक से बन जाए, 2,800 को हमने दे दी 1200 शेयर, 1200 पर हमने कॉल की, 2,800 माइनस 1200 पर हमने देखा 1600 शेयर का हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 48,000 रुपए इसके। अब 48,000 रुपए हमने अलॉटमेंट पे कुछ यूज कर लिए होंगे, वो कितने बनते हैं 30,000, बचे कितने 18,000, हमने फर्स्ट कॉल पर देखा उससे ड्यू होते हैं हमारे कितने 30,000, और एडवांस उसके बचे हुए 18, मैंने माइनस किए, यहाँ आ गए मेरे पास 12,000, तो टोटल 2,75,000 में से 15 घटाए 2,60,000, 2,60,000 में से 12 घटाए 2,48,000 की मैंने रिसीविंग कर ली, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,48,000,
ये कॉल्स इन एडवांस नहीं मिल चुका था, ये कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करना पड़ेगा, और फिर बाद में कॉल्स नहीं देगा तो उसके लिए मैंने कॉल्स इन अकाउंट ओपन कर दिया, छोड़ लो 5,000 रुपये ओपन नहीं भी करेंगे तो आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ कर लिख देंगे, दैट विल बी द करेक्ट मेथड राइट। फिर 4,00,000 रुपए से आपने क्या किया, 20 रुपए के हिसाब से 20,000 लेकर फाइनल कॉल ड्यू की, लेकिन ये दोनों व्यक्ति फिर से फाइनल कॉल नहीं दे रहे थे, फाइनल कॉल नहीं दे रहे थे तो उसका पैसा भी हमने क्या कर दिया माइनस, और हमने रिसीव कर लिया 3,40,000 रुपए। यहाँ पर मैंने आज केवल आपको ये बताया कि प्रोडक्ट के केस में कैसे अमाउंट रिसीव करते हैं, और इतना ही मैं अपनी आज की क्लास को रखता हूँ। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जब कंपनी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब कर लेती है और वहां पर कॉल्स इन एरर का जो है कंडीशन क्रिएट होती है या अलॉटमेंट पैसे नहीं मिलते हैं और उन शेयर्स को भी कंपनी को फॉरफिट करने पड़े तो कंपनी कैसे उन शेयर को फॉरफिट करती है। टिल दैट गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। स्टार्टिंग में थोड़ी हमने गलती कर ली थी क्योंकि पहली क्लास मेरी फेसबुक पेज थी तो हो सकता है मैं गलती कर गया, लेकिन हमने बाद में इस एग्जाम्पल जो उस क्लास को सुधारने की कोशिश की, गलती को ठीक करने की कोशिश की, आपको ये क्वेश्चन उस गलती को क्लियर कर देगा, ठीक कर देगा। और कल जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से एक बुक का क्वेश्चन उठाएंगे, बुक के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्यूरीज हो तो मैं ऑनलाइन हूँ, आप मुझे अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप यहाँ पूछना चाहते हैं तो। थैंक यू अंशिका जी, थैंक यू विधान रावत जी, दिया झा जी, थैंक यू वेरी मच, अनुराग मिश्रा जी, थैंक यू ऑलरेडी सब्सक्राइब, सागर झा जी, थैंक यू वेरी मच, अनुराग मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल विधान रावत जी, अगर दो व्यक्तियों के शेयर से ज्यादा दो लोगों के शेयर हमने अगर फॉरफिट किए हैं मान लीजिए, और उनमें यदि हमें कैपिटल जो हमें ट्रांसफर करने की अमाउंट करनी पड़े, और जितने शेयर हमने फॉरफिट किए उतने ही हमने ट्रांसफर कर दिए, उतने ही हमने रीइशू कर दिए हैं, तो आपको अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप टोटल शेयर फॉरफिट के बैलेंस से वो बैलेंस माइनस कर देंगे जो शेयर फॉरफिट पर लॉस हुआ है तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यदि आपने कुछ कम शेयर रीइशू किए हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करने वाले हैं, अलग अलग अमाउंट चेक करेंगे कि फिर कितने शेयर इशू किए, किस पर कितना फॉरफिट बैलेंस आया, उतना फॉरफिट बैलेंस आप यूज करेंगे अलग अलग शेयर को निकालकर, और टोटल लॉस जो है उसको माइनस करेंगे और फिर कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। कल इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है, कैसे शेयर फॉरफिट करते हैं, कैसे इशू करते हैं, कैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कल हम फेस टू फेस क्लास में फिर से बात करेंगे शेयर को फॉरफिट करने से रिलेटेड, उनको रीइशू करने से रिलेटेड और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से रिलेटेड। ऑप्शन विधान रावत जी आपको ये बात क्लियर है। नरेंद्र जानका जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। विधान रावत जी का क्वेश्चन है सर, हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन में प्रोराटा वाले ओवर जिसमें फॉरफिट शेयर और रीइशू करना हो तो उसमें हम एक्सेस मनी पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं और बाद में सिक्योरिटी। बिल्कुल सही विधान रावत जी, आप बिल्कुल सही एकदम जा रहे हैं, हम ऐसा ही करते हैं। लक्ष्य गोयल जी ने इसका आंसर पहले ही दे दिया, थैंक यू लक्ष्य गोयल जी। सौरभ जी 12C से, विधान रावत जी, हाँ जी विधान रावत जी आपके क्वेश्चन का आंसर ऊपर आ चुका है पहले से। थैंक यू सागर साहब जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कोई भी बात होगी कैसी भी बात होगी मैं आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और मेरा आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा। मैं कहीं पर भी अपनी तरफ से गलती नहीं करूंगा आपको बात शेयर करने में, आपकी प्रॉब्लम को लेने में, और बसरते कि मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करूंगा कि अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप क्लास को कहीं लीव ना करें कि सब गलत कर गए। हाँ गलती तो किसी से भी हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ आदमी गलतियों का पुतला है, गलतियां कर सकता है, गलती करने के बाद ही व्यक्ति सीखता है। तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को क्लियर करके चलेंगे। हाँ मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि जो ना एंट्री ऊपर कर दूं और टेबल जो है वो नीचे बना दूं, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे, आप लोग मुझे बताएंगे तभी मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए किसी प्रकार की कोई और बात अगर आप मुझे शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी क्लास को जो है वाइंड अप करता हूँ, क्लास को खत्म करता हूँ, अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है तो। लास्ट एक बार मुझे बता देंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं है तो क्या मैं क्लास को वाइंड अप कर सकता हूँ, क्या क्लास को मैं जो है लीव कर सकता हूँ? स्वीटी गोयल मैम भी जो है ऑनलाइन बैठी है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज के लिए। तो मैं आई लीव द क्लास, चलिए फिर हम आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं मॉर्निंग में कमेंट्स को पढ़कर आप लोगों के क्वेश्चनों का जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास के लिंक को मैक्सिमम आप शेयर करने की कोशिश करिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेरीज मिल जाएंगी, बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके क्वेश्चनों के आपको जवाब दे जाएंगे, बहुत सारे टीचर भी हमारे ग्रुप में ऐड है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी पूरी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि, सब अच्छा। एक बार जरा मुझे बता दीजिए कि ऑनलाइन कौन कौन है, अपने नाम अगर साइन कर देंगे तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्लास को जो है वाइंड अप, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।